जय हिंद, वंदे मातरम। आज दासों का दास दीपक अग्रवाल, आप सबका मित्र, आप सबका दोस्त दीपक अग्रवाल एक नए अंदाज में आया है और अपने देशवासियों के लिए एक नया योग रैप लाया है। बिल्कुल देश को जगाना है, घर घर से कोरोना को भगाना, पूरे देश से कोरोना को भगाना है। इसी भाव से आज ये हरि भक्त जो भजन सुनाता था, एक नए अंदाज में अपना रैप लाया है। गोविंद ने लिखवाया, कोशिश करिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। ये समर्पित है मेरे देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को, हर इंसान को, हर देशवासी को। मेरी बात को समझना, इस रैप को ध्यान से सुनना, शब्दों पे जाना, शब्दों पे जाना मैंने क्या कहा है। एक सच्चे सनातनी, सच्चे देशभक्त ने क्या देश से कहा है। देश को जगाने आया हूं, घर घर से कोरोना को मिटाने आया हूं। मेरी बात पे अमल करना और ध्यान से मेरे एक नए स्टाइल में इस नए रैप को सुनना। अच्छा लगे तो शेयर करना। ये पूरे देशवासी को समर्पित है और इस तरह से समर्पित है कि मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ऐसा रैप लिख पाऊंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब आगा फैसला आपके ऊपर। तो आइए नए अंदाज में रैप कैसे कहेंगे। ओ या, ओ ओ ओ ओ या, नथिंग इम्पॉसिबल। ओ या, ओ ओ ओ ओ या, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे कोरोना से, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे कोरोना से, हम जीतेंगे, हम घर में रहकर अपनों के संग ये बाजी भी जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे कोरोना से, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे कोरोना से, हम जीतेंगे, हम घर में रह के अपनों के संग ये बाजी भी जीतेंगे। ओ या, ओ ओ ओ ओ या, नथिंग इम्पॉसिबल। ओ या, ओ ओ ओ ओ या, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने कभी हार नहीं मानी है, चाहे कैसी भी आ जाए मुश्किल, मुश्किल हमसे हारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने कभी हार नहीं मानी है, चाहे कैसी भी आ जाए मुश्किल, मुश्किल हमसे हारी है। हम भारत के वो लाल है जो किसी से नहीं डरते हैं, हम अपनी भारत माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे कोरोना से, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे कोरोना से, हम जीतेंगे, हम घर में रह के अपनों के संग ये बाजी भी जीतेंगे। ओ या, ओ ओ ओ ओ या, नथिंग इम्पॉसिबल। ओ या, ओ ओ ओ ओ या, हम लॉकडाउन का नियम अब कर्तव्य से निभाना है, हमें हर भारतवासी को इस मुहिम में लगाना है। हमें लॉकडाउन का नियम अब कर्तव्य से निभाना है, हमें हर भारतवासी को इस मुहिम में लगाना है। इस महामारी को हम सब ने अब मिलकर हराना है, हमें अपने प्यारे देश को कोरोना से बचाना है। Nothing impossible. Oh yeah. Oh 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 yeah. हम चीन की ये चाल कभी चलने नहीं देंगे, कोरोना को हम भारत में कभी टिकने नहीं देंगे। हम चीन की ये चाल कभी चलने नहीं देंगे, कोरोना को हम भारत में कभी टिकने नहीं देंगे। कोरोना की ही मौत उससे भारत खींच लाई है, हमने भी कोरोना की अब अर्थी सजाई। नथिंग इम्पॉसिबल। ओ या, बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम अपनी पे आए, हार को जीतने पर लगता हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमारी रगों में हिंदुस्तानी खून है, हम हारते नहीं, हम हारी हुई बारी जीत जाते हैं। हम वो बाजी कर रहे हैं जो हारी हुई बारी जीत जाते हैं, दुश्मन के मुंह से जीत खींच लाते हैं। तो कोरोना की क्या औकात जो हिंदुस्तानी को कुछ बिगाड़ पाएगा। बस जरूरत है आप सबके जागने की, जागने की, जागने की। घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपनों के संग रहो। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कोरोना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख के नहीं आया। ये वो काल का वो रूप है, जहां भी जा रहा है सबके लाशों के ढेर बिछा रहा है। मैं एक सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदुस्तानी हूं, फिर बोल रहा हूं, बुद्धि विवेक से काम लो। आप होंगे तो 5 वक्त की नमाज भी होंगी, मंदिर में घंटे भी बजेंगे, गुरुद्वारे में घंटे भी बजेंगे, गुरुद्वारे के अंदर पूजा पाठ भी होगी, जीसस क्रिश्चियन के घर में घंटे भी बजेंगे, वहां पूजा पाठ भी होगी।
कहने का मतलब आप समझ गए, हम रहेंगे तो हमारा धर्म रहेगा, हमारा परिवार रहेगा। इसलिए बुद्धि विवेक से काम लो, घर में रहो। आप बाहर जाओगे तो याद रखो, ना जाने कब किसके साथ काल रूप में आपके घर में कोरोना रूपी काल आ जाए और आपके घर के परिवार को मौत की नींद सुला जाए। मैं एक सच्चा सनातनी, बुद्धि विवेक से काम लो, भीड़ में मत जाओ। परमात्मा की इबादत सेवा एकांत में होती है, परमात्मा का नाम एकांत में होता है। फिर बता रहा हूं, एक दास होगा दास दीपक अग्रवाल पॉजिटिव बातें करता है। जगो जगाओ, अपने घर को सुरक्षित बनाओ, कोरोना को हराना है, भारत से मिटाना है। ये दास दीपक अग्रवाल आपसे प्रार्थना करता है, सभी हिंदुस्तानी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपनों के संग रहो। आज आपके अपनों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम अपनों के रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। हमें अपनों की जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है। हमें अपनों के संग रहना है और गोविंद की मस्ती में रहना है, अपने अल्लाह की मस्ती में, नानक की मस्ती में, जीजक की, जिस भी जिसका इष्ट है उसकी मस्ती में रहना चाहते हो तो पहले अपने परिवार को सुरक्षित करो। आप रहोगे तो परिवार रहेगा, धर्म रहेगा, ये देश रहेगा। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करना। मैं बहुत पॉजिटिव सोच का इंसान हूँ, अच्छी भाव प्रभु मन में देते हैं, अच्छे भाव से आता हूँ, सबको जगाता हूँ, ना गलत बोलता हूँ, ना गलत सुनता हूँ, पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, ना भड़का है, ना भड़काऊंगा, सबको जगाया है, जगाऊंगा। मुझे मेरे गोविंद, मेरे श्री कृष्ण ने जगाया, मैं अपने सारे सनातन हिंदू भाइयों और सारे हिंदुस्तानियों को जगाऊंगा। हिंदुस्तान का हर इंसान मेरा मित्र, मेरा दोस्त है, मैं आपका दोस्त हूँ, शुभचिंतक हूँ। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन, अपने परिवार के लिए अपने घर में रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप घर में रहोगे, कोरोना की औकात नहीं कि वो आपका बाल भी बांका कर सके। पीएम मोदी की मुहिम राष्ट्रहित के लिए, उनके स्वार्थ के लिए, राष्ट्रहित के लिए, तो पीएम मोदी की बात पे फॉलो करो। वो हमारे हितेशी, हमारे शुभचिंतक के, सबसे बड़ी बात हमारे चौकीदार है। तो चौकीदार का फर्ज बनता है कि अपने बगिया की हर फूल की वो जिम्मेदारी उठाए और उसका ख्याल रखे, हम उनके बगिया के फूल हैं। तो राष्ट्रहित में मैंने समर्पित किया। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने घर में रहिएगा, आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय श्री राधे। दास दीपक अग्रवाल की आप सबको प्रेम भरी राधे राधे। सदा खुश रहो, यही मैं अपने गोविंद से कामना करता हूँ। हे परमात्मा, इस काल रूपी कोरोना का नाश कर और हम भारतवासी पे अपनी कृपा कर। श्री राधे, खुश रहिए।